नमस्ते दोस्तों, हैप्पीली वेज में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र का एक खास व्यंजन पिठलं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को दबाइए ताकि हमारी आने वाली रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुँचे। रेसिपीज़ पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट happilyveg.com को विजिट कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए सामग्री की सूची आप यहां और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पिठलं बनाने के लिए धीमी आंच पर तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही इसमें राई डालकर तड़कने देंगे। अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। इसे हम 5 से 7 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब प्याज डालकर इसे हल्के बादामी रंग का होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हल्के बादामी रंग का हो गया है। अब हम कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर 4 से 5 सेकंड के लिए सौते करेंगे। इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब हल्दी और हींग डालकर 4 से 5 सेकंड के लिए चलाएंगे और तुरंत पानी डाल देंगे। अब मूंगफली के दाने और नमक भी डाल देंगे। मैंने मूंगफली के दानों को भूनकर दरदरा कूटा है। अब इस मिश्रण में उबाल आने देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा बेसन मिलाते जाएंगे। बेसन मिलाते हुए हम लगातार चलाएंगे और ध्यान रखेंगे कि गांठे ना रहे। दोस्तों, आप चाहें तो पहले पानी में बेसन मिलाकर फिर यह मिश्रण तड़के में डाल सकते हैं, जिससे गांठे नहीं बनेंगी, लेकिन इससे पेस्ट जैसा टेक्सचर आता है जो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसी तरीके से पिठलं बनाना पसंद करती हूँ। ये व्यंजन बेहद स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। इसमें प्रोटीन, डाइट्री फाइबर, काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप ज़रूर इसे बना के देखिए और आपके विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। बेसन को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसे ढककर लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। बेसन पक चुका है, स्वादिष्ट पिठलं तैयार है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। आप इसे जवार की रोटी या चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। सर्व करते समय आप थोड़ा सा घी मिलाएंगे तो ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।